हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर महोत्सव के सफल आयोजन पर गोरखपुर न्यूज से माध्यम से मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने आयोजकों एवं जनता के प्रति व्यक्त किया आभार, दी बधाई। रंगारंग कार्यक्रमों एवं पुरस्कार वितरण के साथ साथ कुशल संपन्न हुआ गोरखपुर महोत्सव का शिल्प मेला। कमिश्नर ने कहा अगले साल और भव्य होगा आयोजन। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक। अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। विधायक फतेह बहादुर सिंह के कैंपियरगंज विकास खंड के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। कहा क्षेत्र का चहु और विकास से दिन ब दिन ये क्षेत्र छू रहा है विकास के नए आयामों को। कमिश्नर के अध्यक्षता में विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई संपन्न। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था UPRNN को चेतावनी जारी करने का दिया निर्देश। जिला महिला चिकित्सालय ने गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने लगाया प्रसूताओं के लिए जागरूकता अभियान का शिविर। प्रसूताओं को दिए गर्भावस्था के दौरान सावधानी और सुरक्षा की जानकारी। यूथ कांग्रेस द्वारा 60 साल में कांग्रेस की उपलब्धियां विषय पर आयोजित हुई बैठक। उपलब्धियां बताकर जनता से जोड़ने की बनाई रणनीति। भाजपा ने किया वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित और गरीबों में किया कंबल का वितरण। महानगर अध्यक्ष ने कहा गरीबों में कंबल वितरण है एक पुनीत कार्य। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की जिलाधिकारी ने दी जनपद वासियों से अपील। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली संघ ने की बैठक। 6 से 12 फरवरी तक दी महा हड़ताल की चेतावनी। और 5 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने दिया धरना। मांगे पूरी न होने पर 5 फरवरी से कलम बंद हड़ताल की दी चेतावनी।